मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट सी चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। उसके टू पार्ट हैं, पोटेंशियल एंड फ्लक्स। ठीक है बच्चे, हमने जो फ्लक्स टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। हम एप्लीकेशन ऑफ कोसला स्टडी कर रहे हैं। आज की हमारी लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो शीट है वो 2D में है, इसलिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, जैसे हमारी वायर थी ना, वो मतलब कि 1D में थी, वहाँ पे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया था। जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर था वो 3D में था, इसलिए हमने वहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया था। अब जो हमारी शीट है ये 2D में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ये हमारे पास शीट है, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है बच्चे, अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। जो शीट है उसका मैंने सेंटर ये वाला एज्यूम कर लिया। ठीक है, सेंटर से जो पी पॉइंट है लेट अस सपोज वो आर डिस्टेंस पे है, ऐसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू पॉइंट को कंसीडर कर लिया, सेंटर से क्यू डिस्टेंस भी आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैंने एक सिलेंडर ड्रा कर लिया। इस सिलेंडर की पूरी लेंथ 2R है। ठीक है, इसके 3 पार्ट हो गए सिलेंडर के, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। देखो अब हम डायरेक्शन देखते हैं यूनिट वेक्टर की। सबसे पहले एरिया वेक्टर देखो फर्स्ट पार्ट में, इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी YZ में है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर होएगा, मींस एक्स एक्सिस में होएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो, जो सेकंड पार्ट है उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाई में एक्स में है, इसलिए इसका जो यूनिट वेक्टर होएगा वो उसके परपेंडिकुलर होएगा, मींस वाई डायरेक्शन में होएगा। अब थर्ड पार्ट को ध्यान से देखो, जो एरिया है उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी YZ डायरेक्शन में है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस होएगा। ठीक है, अब देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अलोंग द एक्स एक्सिस फाइंड करना है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर किस एक्सिस में होएगा, एक्स एक्सिस। देखो बच्चे, इसके 3 पार्ट बन गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहले हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट के लिए फ्लक्स फाइंड करते हैं। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन EdS। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड पार्ट के लिए फ्लक्स सेम होएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पार्ट के लिए N और E की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम यहाँ पे 2 कंसीडर कर लेंगे। 2 का मतलब है हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट के लिए कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो जो DS है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ DS वेक्टर। अब देखो मैंने बताया फर्स्ट और थर्ड पार्ट के लिए ई और एन की जो मतलब की डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल होएगा 0। पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने का मेथड होता है फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड एन। ई का मैग्नीट्यूड ई आ जाएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। इन दोनों के बीच में एंगल सेम है, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, अब हमें पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारे पास फ्लक्स होएगा जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट के लिए, उसको सोल्व करके आ जाएगा 2E कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट के लिए फ्लक्स देखो। जो सेकंड पार्ट के लिए फ्लक्स है उसमें ई और एन के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है 90 आ जाएगा, इसलिए हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 पुट कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करके आ जाएगा हमारा 0। देखो हमारे पास 3 पार्ट हो गए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस क्या आएगा, ओनली सेकंड और थर्ड के लिए आएगा ना। सेकंड के लिए तो हमने 0 प्रूफ कर दिया।
ये हमारे पास आया था 2E dS, ठीक है। अब हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिग्मा आएगा, सिग्मा होता है 4 अपॉन एरिया, जो मतलब कि स्मॉल स्मॉल हमने साइड वाले पार्ट कंसीडर किए थे उसका सरफेस एरिया हम ds एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ds, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास फ्लक्स आ गया, ये भी हमारे पास फ्लक्स आ गया, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। ds से ds कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, ये सिर्फ e का मैग्नीट्यूड था इसलिए हम यहाँ पे इसको एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चे। सेकंड लेक्चर में हम आज के सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड होती है। ओके।